Hey, hello everyone. Good afternoon to all of you. आप मैं विक्रम राठौर आप लोगों को वेलकम करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल राठौर इंग्लिश रिसर्च सेंटर पे। आज जो है जैसे कि हमने पहले क्लास में आपको बताए थे कि हम लोग जो एक सेपरेट से मेजरमेंट का यानी मेजरमेंट के जो भी यूनिट होते उन तमाम बातों को हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, तो उन्हीं टॉपिक को आज लेके आए हैं कि मेजरमेंट यानी किसी भी नाउन को हम कैसे नापेंगे तौलेंगे, है ना। तो उन्हीं बातों को हम जानने के लिए आज हम मेजरमेंट टॉपिक जो नाउन से रिलेटेड है उन्हीं को हम देखेंगे कि कैसे हम नाउन को कैसे हम तौलते हैं, कैसे हम नापते हैं, तो उन्हीं बातों को इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और हमने इस रूल को हमने स्किप कर दिए थे और हमने नेक्स्ट रूल हम बता दिए थे जो कि हम आज कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद एक क्लास और होंगे जो पूरी तरह से आपका नाउन चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो चलते हैं आज हम लोग फिर से इस नाउन को अब बहुत ही एंडिंग पॉइंट के स्कोर पे पहुंचे हुए हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे इसको जल्द से जल्द नाउन को गुड बाय बोलेंगे, उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे प्रोनाउन चैप्टर, है ना। तो चलिए विदाउट वेस्ट टाइम लेट्स स्टार्ट टुडे लेसन। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए जैसे कि एक यहाँ पे आप देख रहे होंगे थंबनेल में भी देखे होंगे कि मेजरमेंट कि कैसे हम नाउन को मेजरमेंट में नापते हैं, तो फिर खासकर आज के जो टॉपिक ही है मेजरमेंट, ये क्या है मेजरमेंट, किसी नाउन को हम कैसे तौलेंगे कैसे नापेंगे उसी को मेजरमेंट कहते हैं। आपने मैथ में भी पढ़े होंगे, फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, मेजरमेंट के बारे में पढ़े होंगे। तो आज कॉन्सेप्ट नंबर जो रूल नंबर है वो 30 है, जो जनरल रूसेन का जनरल इंग्लिश है उसी की बुक से आज रिलेटेड चैप्टर है ना। तो चलिए ध्यान दें, पहला यूनिट क्या होता है, पहला यूनिट अगर आपको पहला अगर हम बोले 1 किलो, तो आई हैव अ किलो, बोले मैंने 1 किलो आम खरीदा, तो आई हैव अबाउट अ किलो मैंगो। लेकिन यहाँ तक तो बन जाते हैं, यहाँ तक के सेंटेंस आसानी से बन जाते हैं, लेकिन बच्चे जो सेंटेंस में फंसते हैं वो 1.5 किलो, 1.25 किलो, 1.25 घंटा, 1.25 घंटा, इनमें फंसते हैं। तो उन्हीं स्ट्रक्चरों को हम देखेंगे कि कैसे किसी सेंटेंस में इसका यूनिट यूज होते हैं। तो देखिए पहला है कि हम आधा घंटा, यानी आधा घंटा हम किसी चीज को जो आधा यानी 30 मिनट होते हैं वो कैसे बताएंगे, यानी हम कहे तो 1/2, क्या 1/2, किसी चीज का अगर हम 1/2 बताना हो तो कैसे बताएंगे इंग्लिश में। तो ध्यान दीजिए, पहले अगर आप चाहें तो इस स्ट्रक्चर को आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे हाफ प्लस an यूनिट मेजरमेंट। और मेजरमेंट क्या हो सकता है मेजरमेंट, तो ध्यान दें मेजरमेंट में आप आवर यानी घंटा, पाउंड भी गिन सकते हैं, किलो भी गिन सकते हैं, मिली भी गिन सकते हैं, है ना। तो किलो ये होती है आपके मेजरमेंट, है ना, ये इनमें आप मेजरमेंट यानी नापते हैं। तो मापने के आकार होते हैं, यहाँ पर 1.5 किलो भी मापते हैं, अगर 1.25 किलो यानी 1.4 मापना हो तो आप इसके लिए क्वार्टर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं क्वार्टर यूज करते हैं। तो अब जरा ध्यान दें, अगर हम बोले कि मुझे आधा किलो मुझे चाहिए, आधा किलो चीनी चाहिए, तो आप लिखेंगे कि आई नीड a half a kilo, है ना, half a kilo, यहाँ पे हाफ उसके बाद an लगाएंगे, उसके बाद यूनिट के अनुसार an में से जो इच्छा होंगे वो लगाएंगे, अगर वो कॉन्सोनेंट साउंड देता हो, क्या कॉन्सोनेंट साउंड अगर देता हो तो आप फिर a लगाएंगे, और वोवेल साउंड अगर दे तो वो क्या लगाएंगे n लगाएं, जैसे आवर ये वोवेल साउंड देते हैं h, तो इसीलिए आप इसके लिए n लगाएंगे और बाकियों के लिए आप ए लगाएंगे, है ना। अब ध्यान दें, अगर वो
हाफ किलो बताना हो, क्या हाफ किलो बताना हो, तब आप उनके पहले उनके साथ जो नाउन आएंगे वो सिंगुलर नाउन आएंगे। जैसे आप जरा ध्यान दें मेरे भाई मेरी बहन, सिंगुलर नाउन क्या, सिंगुलर फॉर्म क्या, ये सिंगुलर फॉर्म है, ये सिंगुलर फॉर्म है, ये प्लुरल फॉर्म में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि ये सिंगुलर बताते हैं इसलिए ये प्लुरल फॉर्म में नहीं, सिंगुलर फॉर्म में यूज होंगे। ध्यान दीजिए कैसे, जैसे यहाँ पे है कि हाफ अ किलो, यानी हाफ मतलब आधा और एक किलो, एक किलो का आधा यानी 1.2 हो, यानी हाफ किलो। अब इसका एरर कैसे आएंगे, तो ये किलो जो हम बोले हैं कि ए यानी ए एन जो है, इनके बाद कभी भी प्लुरल फॉर्म वाले नाउन नहीं आएंगे। तो ये प्लुरल यहाँ पर उसी यहाँ पे लिख दिया गया है कि सिंगुलर फॉर्म ही होना चाहिए, तो इसीलिए हाफ और किलो का प्रयोग किया गया है, न कि किलोज का प्रयोग किया गया। अगर किलोज का प्रयोग करते तो ये गलत हो जाता, क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे हाफ और किलो का प्रयोग किया गया। उसी तरह हाफ एन आवर है ना, हाफ एन आवर मतलब आधा घंटा, यानी आधा घंटा मतलब 1/2, तो इसको आवर को कभी भी आवर्स में नहीं बदलेंगे, क्या नहीं करेंगे, आवर्स में नहीं लिखेंगे, वरना ये गलत माने जाते हैं, ये गलत हो जाएंगे और आपका नंबर भी कर जोड़ने के जगह पे आपको पास के जगह पे फेल कर देंगे और फेल के जगह पे फेल ही कर देंगे, है ना। तो इसीलिए संभल के रहेंगे कि जैसे ही हाफ एन रहे तो उसके बाद हमेशा हमेशा सिंगुलर नाउन यानी सिंगुलर ही ये यूनिट जो है वो आएंगे। अगर आपको इस रूल, अगर इस नियम पे लिखना है, अगर इस बातों को अगर इस कॉन्सेप्ट पे लिखना है तो इस कॉन्सेप्ट पर लिख सकते हैं, अन्यथा अगर आपका मन है तो इस कॉन्सेप्ट पर भी आप इसी बात को लिख सकते हैं कि अ हाफ किलो, अ हाफ आवर, यानी ये थोड़ा आसान, थोड़ा अजीब हो जाते, डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, लेकिन ये जो बात है बहुत ही स्मूथली पकड़ा जाते हैं, बहुत ही आसानी से इसको समझ आएंगे। हाफ अ किलो अक्सर आप बोलने वक्त में भी यही इसी को यूज करते ही होंगे, इसको भी यूज करते, लेकिन एग्जामिनर क्या करता है, जो यूज करते वो न पूछ के आपको पूछ जाते हैं, ये जो बच्चा क्या करते हैं, यहाँ फंस जाते हैं, इसीलिए आपको यहाँ ये बोलचाल में अक्सर यूज हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं यूज होते थे, इनको आप ध्यान में रखेंगे, है ना। तो इसी बात को अगर आप चाहें तो हाफ किलो भी बोल सकते हैं एंड हाफ आवर भी बोल सकते हैं, एंड हाफ आवर और हाफ किलो भी बोल सकते हैं, या नहीं तो आप हाफ अ किलो, हाफ एन आवर बोलिए। अब ध्यान दें इसी के यहाँ पे किलो जो लिखे है, अगर कभी भी किलो को किलोज में करके दिया रहे और आवर को अगर आवर्स करके दिया रहे तो ये आप इसे गलत समझेंगे, क्या समझेंगे, गलत समझेंगे। सही क्या होगा, अ हाफ किलो होगा, हाफ एन आवर होगा, न कि हाफ एन आवर्स का प्रयोग। ये रही आपकी कॉन्सेप्ट नंबर 13, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट नंबर 13 आप आसानी से समझ गए होंगे, इसका क्वेश्चन कैसे आएंगे हम आगे आपको बताएंगे, फिलहाल अभी ये यूनिट समझिए, उसके बाद हम क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 31, आप तो आधा किलो को आधा घंटा को माप लिए, अगर हम बोले कि हमको डेढ़ घंटा, सवा घंटा, तो इन बातों को आप कैसे बताएंगे, है ना। तो उन बातों को जरा ध्यान दीजिए, वन पहले एक घंटा एंड और अ हाफ और आधा, क्या आधा, अ घंटा, पाउंड, किलोमीटर, क्या, तो आप जो होंगे वो प्लुरल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ये प्लुरल नाउन का यूज होगा। आप कहेंगे क्यों प्लुरल नाउन का यूज होगा, मेरे भाई बंधु जरा ध्यान दें, वन एंड वन एक भाग हुआ एंड हाफ और आधा किलो, तो और जो आधा किलो जैसे ही उसमें ऐड होता है तो ऑब्वियसली है कि प्लुरल हो जाएंगे,
है ना। अगर हारे हम बोले कि अगर हम बोले को मैं हूं और एक आप है, आपके जगह छोटा बच्चा रह जाए तो क्या एक पुलर नहीं होगा? पुलर होगा ना। अरे इंसान तो वही है लेकिन छोटा है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, लेकिन डबल है तो इसीलिए वह पुलर नाउन यूज हुआ है। तो उसको क्या वन एंड हाफ किलोज, अगर एक किलो को नापना हो तो किलोज करेंगे, आवर को नापना हो तो हाफ आवर्स यूज करेंगे, पाउंड को मापना है तो पाउंड्स यूज कर हाफ पाउंड्स यूज करेंगे। जैसे कि वन एंड हाफ और हाफ आवर्स कहता है एक और अ हाफ आवर्स यानी एक घंटा प्लस आधा घंटा, यानी ये हो गया एक, यानी ऐसे कैसे लिखते इसको 2.1 दो दो का दो एक तीन है ना, तीन बट्टे ऐसे ऐसे इसको कैसे लिखते हो अगर डेढ़ घंटा लिखना हो एक ऐसे ऐसे दो एक है ना ऐसे लिखेंगे, यानी दो एक तीन, तीन बट्टे दो काट देंगे तो 1.5 है ना। तो ये हुआ यानी इस भाग को 1.1 ऐसे करके इस फॉर्म में आप इसको लिखेंगे है ना, क्या लिखे इस फॉर्म में लिखेंगे। तो एक ये हुआ तो इसको एंड लिखा और हाफ को ए हाफ आवर्स लिख दिया, तो वही को लिखा वन एंड हाफ आवर्स का प्रयोग किया है ना। तो यहाँ पे आवर्स है ना, इसके जगह अगर आवर का प्रयोग कर दिया जाता है तो ये गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको बताएं ये तो एक, तो इसको हम ए वन लिख देते हैं, उसके बाद 1.2 है ना तो इसको वन को अ हाफ लिखते हैं, इसको हाफ, और एक पूरा है तो इसको आवर्स लिख देते हैं है ना। तो इस फॉर्म में इसका यूज कर देते हैं, तो इसी को इस फॉर्म में यहाँ पे लिखे जाते हैं। उसी तरह वन एंड अ हाफ किलोस, एक किलो एंड अ हाफ किलोस यानी डेढ़ किलो, तो यहाँ पे किलोस की अगर अगर किलो करता तो वो गलत हो जाते। लेकिन जरा ध्यान दे मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे बहन, ध्यान दे, अगर अगर इन्हीं बातों को अगर चाहे आप तो आप इन बातों को इस फॉर्म में भी लगा के लिख सकते हैं। जैसे आपको लिखने का मन हो कि नहीं नहीं हम किलो को हम पहले लिखेंगे एक किलो और उसके बाद अ हाफ किलो है ना, तो इस तरह भी आप लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ बात को ध्यान रखने की जरूरत है, अगर इस फॉर्म में अगर किलो वाले नाउन को अगर शुरू में लाते हैं तो आप उसके बाद सिंगुलर नाउन को रखेंगे, यानी आवर्स है तो यहाँ पे आवर्स का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, आवर का प्रयोग करेंगे, पाउंड का प्रयोग करेंगे, मिलिस का प्रयोग, मिली का प्रयोग करेंगे, किलो का प्रयोग करेंगे, न कि किलोस आवर पाउंड्स का प्रयोग करेंगे है ना। प्लस एंड एंड हाफ एंड अ हाफ किलो, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ आप देख सकते हैं कि अ किलो, अ किलो यानी एक किलो एंड अ हाफ है ना, एक किलो एंड हाफ किलो, तो ये हो गया, तो ये सही हो गया। क्यों? आप देखिए ए, एक के बाद सिंगुलर नाउन यूज किया है, किलो किया, अगर यहीं पे अगर किलोज कर देता तो ये गलत हो जाते। उसी तरह अ हाफ, तो यहाँ सॉरी हाफ ने एन आवर, एन आवर एंड अ हाफ है ना, हाफ हाफ, तो यहाँ पे एन आवर यानी एक घंटा और एक घंटा और आधा यानी डेढ़ घंटा हो जाता है ना, डेढ़ घंटा मतलब 1.2/1 इस फॉर्म में लिखा था, तो इसी को क्या किया पहले घंटा को लिख दिया है ना, पहले घंटा को लिख दिया, उसके बाद इसी को हाफ कर दिया यानी एक का आधा यानी हाफ लिख दिया, तो इस फॉर्म में इसको लिखा। तो ये आप समझ गए कि 31 कॉन्सेप्ट नंबर 31 जो आपका बुक में रूल्स नंबर 31 दिया गया वो भी आप समझ गए होंगे आसानी से है ना। अब बात बनती है, ध्यान दें कि अब बात बनती है, हमने एक किलो, हमने आधा किलो को बता दिए, अगर हमको उसी में अगर हमको डेढ़ किलो बताना था तो हम आसानी से बता दिए, एक किलो तो उधर सिंपल है, आप एक किलो आई हैव बाउट अ किलो मैंगोस, मैंगो मैंने एक किलो आम खरीदा है ना, तो वो आसानी से बना दिए। लेकिन अगर हम हमको अगर अढ़ाई किलो, सवा दो किलो इस तरह के बताना हो तो कैसे बताएंगे है ना, तो उसके लिए इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखने की जरूरत है। अब ध्यान देखिए कॉन्सेप्ट समझना बिल्कुल, हम आपको क्या बोले अगर हमको दो किलो है ना
और आधा किलो, तो टू दो दूना चार, और इसको एक लिखें, है ना। तो इसी बात को क्या करता है, टू एंड अ हाफ हो गया, और हाफ आप क्या किलो, तो यहां पर प्लुरल यूज कर देंगे, क्या यूज कर देंगे, प्लुरल यूज कर देंगे, है ना। क्या करेंगे, प्लुरल यूज करेंगे। अगर ऐसे भी नहीं होता है तो आप सिर्फ क्या करेंगे, नॉमिनल एडजेक्टिव, यानी ये टू लिख देंगे शुरू में, टू या सॉरी इसको क्या करेंगे, अगर इससे भी नहीं, अगर आप चाहें कि अगर चाहते होंगे कि हम ये टू, ये हाफ किलो है ना, टू किलोज अगर एक साथ लाए, टू किलोज है ना, टू किलोज, तो प्लुरल रखेंगे, एंड हाफ भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे दो तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे जरा ध्यान दीजिए, नॉमिनल एडजेक्टिव क्या होता है, पहली बात आप जरा ध्यान दीजिए, नॉमिनल एडजेक्टिव क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए, मार्कर भी सूख जाता है, गर्मी ज्यादा है, सूख जाता है, एक मिनट मार्कर बदल देते हैं। ध्यान दीजिए, यहां पे नॉमिनल एडजेक्टिव, वो जो आप वन टू थ्री फोर फाइव डॉट ये जो पढ़ते हैं, यही नॉमिनल एडजेक्टिव है ना। क्या है, नॉमिनल एडजेक्टिव, इसी को कहे जाते हैं नॉमिनल एडजेक्टिव। यानी इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, जरा ध्यान दें, नॉमिनल एडजेक्टिव ये होते हैं, लेकिन आप एक सिर्फ वन को छोड़ देंगे, क्या वन को छोड़ देंगे, वन के साथ जब भी आते हैं वो सिंगुलर नाउन, यानी ये जो किलो है, पाउंड है, ये सिंगुलर ही हमेशा आएंगे, ठीक है। लेकिन जब वन को छोड़ के टू थ्री फोर फाइव जो भी कुछ ले लेंगे, तो उसके साथ साथ हमेशा हमेशा प्लुरल नाउन ही यूज करेंगे, है ना। क्या करेंगे, हमेशा उसके साथ प्लुरल नाउन ही यूज करेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, टू लिखा, टू किलोज एंड अ हाफ, यानी दो किलो, दो किलो और एक हाफ किलो, है ना। तो दो दोनों चार आए, पांच बटे टू, यानी टू पॉइंट फाइव, अढ़ाई किलो, अढ़ाई किलो यानी हाफ, है ना, अढ़ाई किलो हो गया। तो ध्यान दीजिए, अगर इसी को अगर हम आपको देखें, यहाँ पर दो स्ट्रक्चर, नॉमिनल एडजेक्टिव प्लस प्लुरल नाउन एंड एंड हाफ, तो ये तो हो गए, ये जो सेंटेंस लिखा है ये इस फॉर्म पे लिखा, लेकिन आप इस सेंटेंस, इस बातों को अगर आप चाहे कि किलो जो हम लिखे हैं यहाँ पे, जो किलो इसके साथ लिखे, हम किलो को हम आगे लिखेंगे, यानी हम वो हाफ किलो के साथ जाने देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, तो डायरेक्ट उसको लिख दो, टू एंड, टू एंड अ हाफ किलोस, लास्ट में किलोस आने गए, तब पर भी पूर्ण नाम ही होंगे, तब पर भी पूर्ण नाउन ही यूज होंगे। यानी कि टू शुरू में रहे या अंत में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टू किलो रहे तो हमेशा हमेशा उनके साथ जो भी नाउन आएंगे पूर्ण नाउन ही आएंगे। उसी तरह यहां देखिए, टू आवर्स एंड हाफ, यहां यहां आवर्स टू है, टू के बाद कौन सा नाउन आया, पूर्ण नाउन, इसी को बात को यहां क्या लिखा, टू एंड अ हाफ आवर्स लिख दिया, ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है, सभी सही है। वही नोट में हम आपको पहले भी यहां बताए हैं कि वन, वन के साथ जब भी आएंगे तो वो सिंगुलर नाउन ये यूज होंगे, है ना। तो वन अ सिंगुलर नाउन प्लस एंड अ हाफ क्वार्टर। अब देखिए, क्वार्टर हम आपको बोलेंगे, क्वार्टर यानी सवा किलो भी बताते हैं, सवा घंटा भी बताते हैं। तो अगर इस तरह के बताना हो तो आप क्वार्टर भी, जहां हाफ यूज करते वहां पे क्वार्टर भी यूज कर सकते हैं। यहां पर आपने यहां इधर देखे कि ए देखिए ना, लेकिन ये देखिए वन, देखिए वन के साथ देखिए वन एंड हाफ किलो, तो वन एंड हाफ आवर्स यूज किए, कोई दिक्कत नहीं है। उन्हीं बातों को अगर आप कहां गया, अगर 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 हाँ, इन्हीं बातों को अगर यहाँ पे हम आपको यहाँ बताएं, क्लियर हो गया कि वन रहे, अगर वन के बाद इन्हीं बातों, अगर इसको यहाँ पे जो लिखे वन एंड हाफ आवर्स, तो इसको अगर आप चाहें तो वन, क्या वन आवर्स, आवर यहाँ यूज करेंगे, ना कि आवर्स यूज करेंगे, एंड अ हाफ यूज कर देंगे, है ना। जैसे कि यहाँ पे यूज किया गया कि वन रूपी एंड हाफ, एंड अ हाफ होगा, छूट गया था, है ना, यानी एक रुपया और आधा, यानी डेढ़ रुपया, है ना। तो इसका पर यहाँ रुपया यूज कीजिए, या क्वार्टर यहाँ पर रुपया कर धर दीजिए, या किलो धर दीजिए, जो भी धरना है धरिए, है ना। इसी सेंटेंस को यहाँ पे, यहाँ जो एन दिया वो यहाँ पे स्ट्रक्चर बताए हैं, लेकिन हम आपको समझने के लिए एन वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे एक सेंटेंस दिए हैं, और यहाँ तो आपको स्ट्रक्चर एन का पढ़वे किए हैं। तो इन्हीं बातों को या तो वन से लिखिए या ए एन से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है।
वन और एन रहेंगे तो इसके बाद जब भी कोई यूनिट आते हैं यानी किलो पाउंड रहेंगे तो वो सिंगुलर ही होंगे, और उसके बाद अगर हाफ हो क्वार्टर हो ये सब भी सिंगुलर रहेंगे, लेकिन टू जैसे ही आते हैं वो तो प्लुरल हो जाते हैं। तो आई होप दैट कि आप ये जो मेजरमेंट की बातें हैं ये समझ गए होंगे, है ना। तो अब हम देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हम इसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम इस थोड़ा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो चलिए देखते हैं। हो गया हमारे भाई, देखिए कि यहाँ कार्डिनल एडजेक्टिव, ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर बुक में आप देख सकते हैं कि बुक में जो है उसी से थोड़ा सा नीचे है, बुक में आप कार्डिनल एडजेक्टिव रूल्स नंबर 33 है, रूल्स नंबर 33 है उसमें बताया गया है ना कि कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस प्लुरल नाउन, जैसे ही कार्डिनल एडजेक्टिव जैसे आता है वो प्लुरल नाउन उसके बाद यूज होता है। आप सोचेंगे कार्डिनल एडजेक्टिव होता क्या है, जरा ध्यान दे, ये एडजेक्टिव मेरे भाई यहाँ जो नॉमिनल एडजेक्टिव होते हैं ना, यहाँ जरा ध्यान दीजिए, नॉमिनल एडजेक्टिव, नॉमिनल एडजेक्टिव जो होते हैं ना, ये दो तरह के एडजेक्टिव होते हैं। कितने तरह के होते हैं? ये दो तरह के एडजेक्टिव होते हैं, पहला कार्डिनल एडजेक्टिव, कार्डिनल एडजेक्टिव और ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव। आप सोचेंगे कार्डिनल एडजेक्टिव और ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्या होता क्या है? कार्डिनल एडजेक्टिव जो होते हैं 1, 2, 3 ये होते हैं, है ना, डॉट डॉट 10th तक, और ये जो ऑर्डिनल होते हैं नेक्स्ट, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ, ये इस तरह के जो होते हैं वो ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं। समझ में आ गया कार्डिनल और ऑर्डिनल एडजेक्टिव में फर्क, ध्यान दीजिए। अगर कार्डिनल एडजेक्टिव सिर्फ वन को छोड़कर, किसको, वन को छोड़कर इसके बाद अगर कोई भी मेजरमेंट के यूनिट जो होते हैं किलोमीटर, पाउंड्स होते हैं, आवर्स होते हैं, जो भी आएंगे वो सभी के सभी प्लुरल फॉर्म में आएंगे, जैसा कि यहां लिखा हुआ है, किस में आएंगे वो सभी के सभी प्लुरल फॉर्म में आएंगे, प्लुरल फॉर्म में आएंगे, है ना। उसी तरह यहाँ कार्डिनल है, कार्डिनल जी, उसी तरह कार्डिनल एडजेक्टिव 3 है, उसके साथ पाउंड्स आया है जो कैसा फॉर्म में आया है, प्लुरल पीएफ में आया है, प्लुरल फॉर्म में है। उसी तरह 2 यहाँ ये कार्डिनल एडजेक्टिव है लेकिन आवर यूनिट है, मापने वाला है, समय बताता है, नाउन है, तो ये किस नाउन में आया है, प्लुरल फॉर्म में आया है ना। तो इसी तरह अगर कार्डिनल एडजेक्टिव सिर्फ वन को छोड़कर अगर कोई भी रहे तो उसके साथ हमेशा हमेशा प्लुरल नाउन ही यूज होंगे, है ना। उसके बाद ध्यान दीजिए, अब कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस अगर हाइफन यूज प्लस तो सिंगुलर नाउन यूज होते हैं। अगर कार्डिनल एडजेक्टिव रहे और उसके बीच में अगर हाइफन आ जाते हैं तो उनके बाद जो नाउन आएंगे वो नाउन हमेशा हमेशा सिंगुलर रहेंगे। जैसे अ फाइव मैन कमिटी, 5 लोगों के एक समूह है जिनको कमिटी रखा गया है। तो यहाँ पे जी मेरे भाई, इसमें 5 लोग तो जरूर है, कितना, इसमें 5 लोग तो जरूर है लेकिन ये 5 लोगों का एक समूह है जिसके कारण इसके बाद जो आए हैं वो नाउन कमिटी हमेशा सिंगुलर यूज हुए हैं। अ फाइव मैन कमिटी, 5 लोगों के समूह, है ना, अ फाइव मैन कमिटी, यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये 5 कार्डिनल एडजेक्टिव है और इसके बाद जो नाउन यूज किया गया है वो प्लुरल यूज कर दिया गया है जो गलत है। इसको बनना क्या चाहिए था, तो अब 5 क्या, 5 मैन कमिटी ये सही होते हैं, है ना। उसी तरह ध्यान दीजिए, इसका एग्जाम में क्वेश्चन, इसी का एक ये फर्स्ट नोट हुआ, इसी का सेकंड नोट क्या है, आई हैव 10 रुपी नोट, मेरे पास 10 रुपया का एक नोट है ना। तो यहां पर देखिए 10, ये
टेन टेन यानी 10 है, लेकिन उसके पहले ये क्या है, आर्टिकल यूज हुआ है ना, ये एक यानी एक नोट को बता रहा है, तो ये 10 यूनिट 10 10 रुपया है, और इसके साथ जो नाउन आया है वो सिंगुलर नाउन यूज हुआ है ना, और नोट तो यहाँ पे उसका रुपए नाउन है। अब ये दो नाउन बीच में हाइफन से जुड़ा है, तो ये नाउन जो हाइफन से जुड़ा है तो ये नाउन सिंगुलर। अब ये सिंगुलर क्यों होंगे, जरा ध्यान दे, ये नाउन है मैन नाउन, यहाँ नोट है, मैन नाउन कौन है, नोट है, और नोट को ही क्वालिफाई करने के लिए 10 रुपी, एक 10 रुपी का नोट है न कि 10 रुपया है ना, 10 रुपीज का नोट है न कि 1 रुपया 10 रुपया है, 10 रुपये का एक नोट को बता रहे कि मेरे पास 10 रुपया का एक नोट है। उसी तरह दिस इज 5 ईयर्स प्लान, यह जो है एक 5 वर्षीय योजना है, कि एक योजना के बात कर रहा है, यहाँ 5 जो है ये एडजेक्टिव के रूप में हुआ और यहाँ प्लान नाउन के रूप में मैन नाउन है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ इसके बाद आपका पूरा एकदम जितना भी कचरे होंगे सब कचरा साफ साफ हो जाएंगे, है ना, कचरा साफ हो जाएंगे। कि आई हैव 2 10 रुपी नोट, अब यहाँ दे दे मेरे पास, आप उसके इसी के रूल नंबर 33 के का नोट्स नंबर 2 में देखेंगे कि जब कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस हाइफन रहे तो उसके बाद वाला नाउन प्लुरल यूज हो, आपको हम बुक में दिखा देते हैं। यहां देखिए, यहां कि कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस कार्डिनल एडजेक्टिव प्लस हाइफन, उसके बाद प्लस सिंगुलर नाउन प्लस प्लुरल नाउन यूज होते हैं। आप ध्यान दीजिए, समझ में आया, तो उसी लिए देखे मेरे पास 10 रुपी नोट, मेरे पास 10 रुपये के कितना, 10 रुपये के 2 नोट है ना, तो 2 नोट है तो नोट नहीं बुआ, नोट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए प्रयोग नोट्स होना चाहिए, तो यह भी ये सही होता, नोट्स गलत होता। कहेंगे कि मेरे पास 5 रूम, मेरे पास 5 रूम 2 रूम के हैं, यानी कभी से लिख सकते हैं कि I have 5 2 hyphen room है ना, यहां पे फ्लैट हो गया, कि मेरे पास जो है 5 रूम है 2 रूम के, यानी 2 BHK रूम है जिसमें 2 रूम है, वो ऐसा वैसा मेरे पास कितना रूम है, तो 5 रूम है, तो यहां पर फ्लैट नहीं यूज होना चाहिए, फ्लैट्स यूज होता तो भी ये सही। तो यही नाम है और इसी तरह से आप पूछेंगे ऐसा क्यों, तो बाबू ये जो है ये एडजेक्टिव के रूप में हुआ है, इस नाउन है, नाउन के लिए विशेषता बता रहा है कि 2 रूम वाले 5 रूम है ना, 2 रूम वाले फ्लैट है जो ऐसा वैसा 5 रूम है, तो वही बता रहा है यहाँ पे, ये कार्डिनल एडजेक्टिव हुआ, ये भी वैसे कार्डिनल ही एडजेक्टिव हुआ, लेकिन ये दोनों यूनिट में यूज हुआ, ये एडजेक्टिव के रूप में हुए है ना, और ये इसको बताता, संख्या को बताता, इसीलिए फ्लैट है ना। तो आपको अक्सर जो गलतियां देंगे वहां यहां देंगे या रूम में एस लगा के दे देंगे, तो वो गलत होंगे, इसके बाद जो भी हाइपन के बाद वो आएंगे वो नाम हमेशा हमेशा सिंगल होंगे। तो आपको आज की क्लास समझ में आ गई होगी बहुत ही अच्छे से, अब बस एक क्लास रह गया जिसमें आपका नाउन बिल्कुल खत्म, नाउन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे प्रोनाउन। तो आप आई होप दैट कि आपको क्लास बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे, अगर समझ आए होंगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करवाएंगे, और सब्सक्राइब होए रहेंगे तभी तो आपके पास वीडियो सबसे पहले आप ही के पास भेजेंगे। तो अगर आपको भी पाना है इंग्लिश में परफेक्शन, तो सब्सक्राइब करेंगे राठौर इंग्लिश रिसर्च सेंटर। जय हिंद।